मैं बीना सानी आज आपके सामने आलू टिक्की बनाऊंगी और मैं कैसे बनाती हूँ चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं कढ़ाई रख लूँगी, इसमें जब तक मेरी कढ़ाई गर्म होगी तब तक ही मेरे पास 6 आलू है जो कि उबले हुए हैं। ये 6 आलू का है जो कि मैंने उबाल लिए हैं। इसमें मैं क्या क्या डालूँगी ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास पोहा है जो कि मैं इसमें मिक्स करूंगी और इसे मैं मैशर की सहायता से मैश कर लूंगी। सारे आलुओं को आपने हाथ की सहायता से मैश कर लेना, हाथ आपके बिल्कुल साफ होने चाहिए। इसके अंदर मैंने ये जो पोहा है ये इसे मैं मिक्स कर दूंगी। ये मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिया था। ये मैं तेल डालूंगी। जब तक लगे तेल गर्म होगा इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, गरम मसाला डालूंगी, मिर्च डालूंगी और ये एक हरी मिर्च है जिसे मैंने बड़ी बड़ी काटी है, ये सब इसे मैं मिक्स कर दूंगी। अपने स्वाद के अनुसार आप भी प्याज डाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है पर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इन सबको मैं हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसमें चम्मच में आड़ा गोल डालूंगी। ये क्या होता है? ये बाइंडिंग के लिए होता है, आप इसमें बाइंडिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा बाइंडिंग अच्छी करने के लिए मैं इसमें ब्रेड क्रम्ब भी डाल दूंगी। आपने पहले से क्रम नहीं रखा था? हमारे ब्रेड क्रम्ब को मैं पहले ही करके रखी हुआ था, मेरे पास रखा हुआ था जो मैंने पीछे आपको रखी दी थी, इसे मैंने बना के रख लिया था। तो मैं डो की तरह पहले बना लूंगी और मैंने ये 6 आलू का मिक्सचर जो मैंने तैयार किया था उसका मैंने पूरी तरह डो बना के रख लिया है। अब मैं टिक्की कैसे बनाती हूँ आपको मैं बता देती हूँ। हल्का सा हाथ में ऑयल लगा सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसमें आपकी कम से कम 10-12 टिक्कियाँ बन जाएंगी और इसे आप चाय के साथ शाम के टाइम कैसे भी करके खा सकते। अभी कौन खाएगा मम्मा 10-12? 10-12 बनेंगी और घर में अब 3 लोग हैं, 2-2 टिक्की खा लेंगे। 3 ग्राम हो गया ना टिक्की। आप थोड़ी सी अच्छी सी बनाए मोटी सी ताकि खाने में थोड़ा सा टिक्की को शेप देने के लिए आप प्लेट में भी कर सकते हैं बट हाथ में भी आप कर सकते हैं। ये देखिए
टिक्की की शेप अच्छी आनी चाहिए। और टिक्की बहुत छोटी मत बनाइए, टिक्की थोड़ी बड़ी बनाइए ताकि देखने में भी अच्छी लगे। ये देखिए, हर एक को आपने शेप देनी है। जब आपकी शेप अच्छी होगी तो टिक्की भी आपकी अच्छी बनेगी। ये देखिए, तो आसान है। मैंने आपको टिक्की, मेरी सारी जो इतनी भी मेरी रेसिपी सारी आसान होंगी। मैं बहुत ज़्यादा मसालों वाली है, बहुत सारी चीज़ें डाल के बनाई। मैं 10 तरह की टिक्कियाँ बनाना जानती हूँ, लेकिन मैं उसकी रेसिपी आपके सामने धीरे धीरे शेयर करूँगी, क्योंकि आपको पता ही है ये मेरा चौथा वीडियो है और मैंने अभी शुरू करा है। उसके भी पीछे कुछ ऐसी है, वो मैं आपको जब बात करूँगी तब बताऊँगी। इस तरह से आप सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। आप टिक्की तो बना ले, लेकिन उसको डेकोरेट करने का तरीका होना चाहिए, और हर एक के टेस्ट में अलग अलग फर्क होता है। आपने देखा मेरी सारी टिक्कियाँ बन चुकी है। गैस को आप बिल्कुल स्लो रखेंगे गर्म तेल होने के बाद। इस तरह से मैं सारी टिक्कियाँ तैयार कर लूँगी, और जो लास्ट में बचा है ना छोटा सा, उसको भी मैं बना लूँगी। हमारी 8 टिक्कियाँ बनी हैं, जिसको मैंने साइज बड़ा कर दिया है। इस तरह से मैं आप देख सकते हैं, मैं एक एक टिक्की तोड़ूंगी। इसमें मैं एक साथ 2 टिक्कियाँ डालूंगी। आप 2 टिक्कियाँ डाल सकते हैं, 2 से ज़्यादा टिक्की आप नहीं डालना। आपने ब्लैक कलर क्या करा है? बोल रहा है हाँ माँ, तुमने लाया है भाई ब्लैक कलर सब। इसमें सारी है, इसमें ये पोहा मिला है, आलू मिला है, ब्रेड क्रम मिला है, अरारोट मिला है, हरी मिर्चें मिली है, प्याज मिला है। प्याज ऑप्शन से डालें या नहीं डालें। टिक्की तब तक नहीं निकालना जब तक कि आपकी टिक्की एकदम कुरकुरी करारी ना बन जाए। आपको खाना बनाने का शौक कब से है? जब मैं कॉलेज में थी तब से है मुझे शौक। कॉलेज में जब मैं थी मुझे बहुत शौक था कुछ ना कुछ बनाना। ये मेरी टिक्की बन गई है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैंने बनाई है। अब मैं इसको कैसे सर्व करती हूँ ये मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले ये दही था जिसे मैंने मत लिया था, क्योंकि इसमें हमेशा जो दही है ना वो इस क्वांटिटी में आपने डालना है। ये देखिए, कम से कम इतना दही डालें कि ये लगे कि हाँ भाई दही डला हुआ है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे लाल चटनी। लाल चटनी भी अच्छे से डालना है। अब मेरे पास ये हरे धनिया की चटनी है, जिसे इसे भी मैं डालूंगी। थोड़े से मैं इसके ऊपर डालूंगी ये अनार के दाने। ये ऑप्शन है, आप डालें या नहीं, पर मैं डालती हूँ तो मैं इसमें अनार के दाने भी डालूंगी। और इसको आप, इतनी सॉफ्ट बनी है ये देखें, ठीक है, इतनी सॉफ्ट बनी है। दही चटनी आप कुछ भी डाल के बना सकते हैं, जो खाने में भी बहुत खुश है। चलिए, जय कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।
मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे नई वीडियो में।